हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर जनरल साइंस। जनरल साइंस में आज हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन। चैप्टर नंबर 12 तक हमने कंप्लीट किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 13। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। सन हमें क्या देता है? लाइट एंड हीट, LIGHT लाइट एंड HEAT हीट। लाइट एंड हीट लर्निंग पॉइंट्स में है। सन गिव्स लाइट एंड वार्मथ। द सन लाइट्स द अर्थ। अर्ली इन द मॉर्निंग राइजेज द सन। RISES राइजेज, ERLY अर्ली, यानी जल्दी सुबह में क्या उगता है? सूरज उगता है। राइजेज यानी उगना। अर्ली इन द मॉर्निंग राइजेज द सन। रोज जल्दी सुबह क्या होता है? सूरज उग जाता है। अ न्यू डे डाउन्स, यानी एक नए दिन की शुरुआत होती है। सन लाइट स्प्रेड, और क्या होता है? सन उगता है इसलिए पूरे जगह पे क्या हो जाता है? सन लाइट स्प्रेड हो जाती है। DARKNESS डार्कनेस डिसअपियर्स, DISAPPEARS डिसअपियर्स, यानी डार्कनेस जो होता है, अंधेरा जो होता है वो चला जाता है। अ सनी मॉर्निंग इज प्लेजेंट, और एक नए सुबह की बहुत अच्छी शुरुआत होती है। एवरीवन स्टार्ट्स वर्किंग इन डेलाइट, सब लोग अपना वर्क जो होता है वो स्टार्ट करते हैं डेलाइट में, यानी दिन की जो लाइट होती है उसमें सब लोग अपने दिन का काम की शुरुआत करते हैं। जो फार्मर होते हैं वो सुबह सुबह जैसे ही सूरज उगता है वैसे ही वो लोग अपने खेत में काम करने चले जाते हैं। आपके पेरेंट्स जो होंगे, पापा होंगे, वो भी जाते हैं ऑफिस सुबह, आप लोग भी सुबह स्कूल में आ जाते हो, तो जैसे ही दिन की शुरुआत होती है वैसे ही सब लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। द सन सेट्स इन द इवनिंग, और सन सेट कब होता है? इवनिंग में। सन चला कब जाता है? इवनिंग में। डार्कनेस स्प्रेड, तो क्या होता है? डार्कनेस स्प्रेड हो जाती है जब सन आता है, तब डार्कनेस डिसअपियर यानी चली जाती है, पर जब सन चला जाता है तब डार्कनेस स्प्रेड हो जाती है यानी अंधेरा होने लगता है। वी लाइट लैम्प्स और स्विच ऑन इलेक्ट्रिक लाइट, हमें लैम्प जो होते हैं वो स्टार्ट करने पड़ते हैं और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक लाइट होती है उसे ऑन करना पड़ता है। एवरीवन गोज टू रेस्ट, और जैसे ही अंधेरा छा जाता है वैसे ही सब लोग अपना काम खत्म करके अपने घर वापस आते हैं, और फिर काम करके आते हैं तो क्या हो गया होगा? थक गए होंगे, तो क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं यानी आराम करते हैं। द सन ब्रिंग्स डे, द डे ब्रिंग लाइट, द सन ब्रिंग्स लाइट, यानी सूरज उगता है और वो हमें क्या देता है? एक दिन देता है, और दिन में हमें क्या मिलती है? लाइट मिलती है, तो सन हमें क्या देता है? लाइट देता है। अगेन अर्ली इन द मॉर्निंग राइजेज द सन। अ न्यू डे डाउन, सनलाइट स्प्रेड्स, डार्कनेस डिसअपीयर। अ सन मॉर्निंग इन प्लेजेंट, एवरीवन स्टार्ट वर्किंग इन डेलाइट। द सन सेट्स इन द इवनिंग, डार्कनेस स्प्रेड्स। वी लाइट लैम्प्स और स्विच ऑन इलेक्ट्रिक लाइट, एवरीवन गोज टू रेस्ट। द सन ब्रिंग्स डे, द डे ब्रिंग्स लाइट, द सन ब्रिंग्स लाइट। नेक्स्ट, द सन वार्म द अर्थ। सन क्या करता है? अर्थ को वार्म करता है। इट इज कूल एंड प्लेजेंट इन द मॉर्निंग, तो सन जब आता है तब मॉर्निंग में क्या होता है? कूल होता है। द सन एज द सन राइजेज इन द स्काई, द डे बिकम्स वार्मर एंड वार्मर। जैसे ही सन उगता है और जैसे ही दिन जाता है वैसे ही दिन कैसे बनता जाता है? गर्म एंड गर्म, वार्मर एंड वार्मर। जैसे सुबह सन आया तो कम गर्मी लगती है, पर दोपहर को क्या होता है? 12 बजते हैं, 2 बजते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो वैसे ही दिन कैसा होता जाता है? वार्मर एंड वार्मर। एट नून द सन इज राइट ओवर अवर हेड्स, नून में क्या होता है? जो सन है वो हमारे हेड के राइट साइड ओवर होता है। इट इज हॉट एवरीवेयर, तो क्या हो जाता है? सब जगह पे क्या हो जाता है? हॉट यानी सब जगह गर्म हो जाती है। इन द इवनिंग द सन सेट, इन द इवनिंग द सन सेट्स, इट बिकम्स कूल एवरीवेयर। इवनिंग में क्या होता है? सन सेट हो जाता है, तो चारों ओर क्या हो जाता है? थोड़ी ठंडक आ जाती है, कूल यानी ठंडक हो जाती है। प्लांट्स एनिमल्स पीपल्स ऑल नीड द सनलाइट,
प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, पीपल है, सबको क्या चाहिए, सबको किसकी ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है। प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो, प्लांट्स को उगने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट। फ्लावर्स ब्लूम एंड फ्रूट्स रिपन इन सनलाइट, फ्लावर को ब्लूम होने में और फ्रूट को रिपन यानी पकने में क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। नाउ आई नो द सन राइजेज एंड लाइट स्प्रेड, कि सन जैसे उगता है वैसे ही लाइट स्प्रेड हो जाती है। द सन सेट्स एंड डार्कनेस स्प्रेड, और जैसे ही सन चला जाता है, सनसेट होता है, वैसे ही डार्कनेस स्प्रेड हो जाती है। द सन गिव अस लाइट, सन हमें क्या देता है, लाइट देता है। द सन राइजेज एंड इट इज वार्म एवरीवेयर, सन उगता है और फिर सब जगह पे कैसा गर्म गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। द सन सेट्स एंड इट इज कूल एवरीवेयर, जब सन सेट हो जाता है तब चारों ओर थोड़ा ठंडक हो जाता है। प्लांट्स एनिमल्स पीपल ऑल नीड द सनलाइट, प्लांट एनिमल पीपल सबको किसकी जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है। तो ट्रू एंड फॉल्स ये है। तो द स्ट्रीट लैम्प्स आर लाइटेड इन द डे टाइम, क्या स्ट्रीट लैम्प हो वो डे टाइम में हम ऑन करते हैं, नहीं हम नाइट टाइम में ऑन करते हैं, तो ये सेंटेंस क्या आएगा, फॉल्स। द मिड डे इज वार्मर देन मिड नाइट, जो मिड डे होता है वो मिड नाइट से वार्मर होता है, येस ट्रू, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। नंबर थ्री, व्हेन द सन इज नॉट इन द स्काई वी रिले द ऑन इलेक्ट्रिक लाइट, यानी जब सन स्काई में नहीं होता है तो हम इलेक्ट्रिक लाइट ऑन करते हैं ना, येस, तो ये भी ट्रू आएगा। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट, सन हमें लाइट एंड हीट देता है, येस ये भी ट्रू आएगा। क्वेश्चन नंबर टू, टिक द राइट वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड। नंबर वन, व्हेन द सन राइजेज द डे या द नाइट बिगिन, क्या स्टार्ट होता है जब सन उगता है, तो द डे, तो डे के ऊपर टिक करना है। नंबर टू, एट नाइट वी स्विच ऑन या स्विच ऑफ द लाइट, तो आएगा स्विच ऑन लाइट। एंड द सन ब्रिंग्स लाइट या डार्कनेस, तो लाइट। क्वेश्चन नंबर थ्री, मैच द कॉलम्स। नंबर वन, अ क्लाउडी डे, तो आएगा नॉट वेरी हॉट, द सन हेल्प्स टू रिपन फ्रूट्स एंड द सन मेक्स द डेज वार्म एंड ब्राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू लेसन के साथ, तब तक बाय बाय।